यूपी के रामपुर में बिजली के बढ़ते बिल को लेकर और जुर्मानों गरीबों पर जुर्माने डालने को लेकर आप नेता फैसल खान लाला ने एक बड़ी जनसभा संबोधित की। ये जनसभा उन्हीं के कार्यालय पर की गई जिसमें महिलाएं और काफ़ी गरीब जनता वहां पर मौके पर पहुंची। आपको ये भी बताते हैं कि इस मौके पर सभी जो है कार्यकर्ता मौजूद थे और बताया ये जा रहा है कि विद्युत विभाग के खिलाफ ये जो है आंदोलन जो है फैसल खान लाला ने छेड़ दिया है और उनको न्याय दिलाने के लिए उनको उनके बिजली के बिल माफ़ कराने के लिए ये जनसभा की गई है। इस जनसभा के ज़रिए मैसेज दिया गया है कि गरीबों पर जुर्माने और उनसे बिल जो है बढ़ाकर वसूले जा रहे हैं, साथ ही उनके बिल जो है 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? ऐसा उन्होंने आरोप विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लगाया है और उन्होंने ये मांग की है कि जिस तरीके से मनमानी कर रहा है, जुर्माने डाल रहा है, FIR दर्ज करा रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो है तबादला उनका पूरे ज़िले से होने चाहिए। तो इसी को लेकर उनकी ये जंग और ये लड़ाई उनकी जारी है। इस मौके पर उन्होंने ज्ञापन जो है अपनी मांगों को लेकर विद्युत अधिकारियों को दिया जो उनके ही जनसभा में मौजूद था अधिकारी, और उस अधिकारी को जो है चेतावनी भी दी है और जल्द जो है इनकी नहीं सुनी गई तो कार्रवाई करवाई जाएगी। आज जो जुल्म और ज़ाती बिजली विभाग के लोग रामपुर की जनता के ऊपर कर रहे हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बड़े बड़े जुर्माने मजदूर पेशा लोगों के भेजे जा रहे हैं। मैं दिन भर अपने दफ्तर में बैठकर तमाम जिले के लोगों से मिलता हूं और आज की तारीख में मेरे पास अगर लोग आते हैं तो सिर्फ ये समस्या लेकर आते हैं कि हमारा बिल बहुत ज्यादा भेजा है, हम बहुत परेशान हैं, लॉकडाउन के टूटे हुए हैं, घर में खाने को अनाज नहीं है, बच्चों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, भेज रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस बिल को चुकाएं कैसे। लोग रोते हैं, मैंने देखे हैं यहां बैठी हुई बहुत सी माओं के आंसू, बहुत सी बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर गिड़गिड़ाती हैं और इंसाफ की भेंट मांगती है बिजली विभाग के लोगों से कि आप हमारे ऊपर जुल्म मत करिए। लेकिन जब ये अपनी समस्या लेकर नाहिद बिजली घर के ऊपर जाते हैं या अपने अपने बिजली विभाग के दफ्तर में जाते हैं तो इनको ये कहकर भगा दिया जाता है कि कोरोना फैला हुआ है, यहां से बाहर। से मैं कहना चाहता हूं अपने अधीक्षक अभियंता की तरफ से, मैं प्रतिनिधि के रूप में आया हूं यहां पर। आपको मैं ये आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मेरे पास नेताजी के कई बार फोन भी आते हैं, कुछ कंपनी के लोग भी आते हैं भेजे हुए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबकी समस्या जनरल रूप से समाप्त कर दूँ जो मेरे स्तर की होती है। लेकिन आज कुछ चीज़ें और सामने आई है, यहाँ पर आने के बाद पता लगा है काफ़ी लोगों को आपको जो दिक्कत है। मैं आपको अधीक्षण अभियंता की तरफ से ये आश्वस्त करता हूँ कि आपकी जो भी जनरल समस्याएं हैं बिजली चोरी से संबंधित गलत FIR और आपके बिल जो गलत हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग, आपको ये पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके साथ बिल्कुल न्याय किया जाएगा और अगर कोई ऐसा प्रकरण है उसकी जांच करा कर आपके साथ न्याय किया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।